नमस्कार, आप देख रहे हैं वीरन्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ निधि सिन्हा। बिहार में असामाजिक तत्व एवं असामाजिक घटनाएं तीव्र गति से बढ़ रही है, जो कि कहना मुश्किल है। बिहार में दबंगों का अड्डा बनता जा रहा है, साथ साथ आपराधिक घटनाएं चरम पर है। दबंग गरीबों को एवं डरा धमका कर उनकी जमीन एवं उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमाते हैं, साथ साथ अधिकारी भी उनसे पैसे लेकर गरीबों के द्वारा दिए गए आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसके कारण गरीब और असहाय लोग लाचार होकर आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। जी हाँ, मैं एक ऐसी ही घटना आपके सामने रखने जा रही हूँ, जो कि एक व्यक्ति की सच्ची और दिल को हिलाकर रख देने वाली आप बीती है। अररिया जिले के अररिया बस्ती पंचायत के वार्ड संख्या 6 निवासी सदानंद शाह, पिता स्वर्गीय खूब लाल शाह, जो कि एक झोपड़ी में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि उनकी अपनी जमीन दूसरे की जमीन है और वो अपनी जमीन खाली करवाना चाहते हैं, और सदानंद शाह खाली करने को तैयार नहीं है। परंतु सदानंद शाह अपनी जमीन वार्ड संख्या 5 है, लेकिन इनकी मजबूरी यह है कि अपनी जमीन पर अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग समाज के बाहुबली बने बैठे हैं, पैसे और पावर के बल पर जमीन को कब्जा कर रखे हैं। सदानंद शाह ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए नम आंखों से बताया कि हम हर किसी के पास जा चुके हैं मदद की गुहार के लिए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता, क्योंकि हम गरीब हैं। फिर चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हो या फिर प्रशासन, सभी पैसे मांगते हैं और हम इतने बेबस हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते। इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सरकार और प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि हमें इंसाफ मिले, वरना हम आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। वीरन्यूज़ बिहार के लिए अररिया से मुजम्मिल यज़दा की रिपोर्ट। हम मामला यही है कि हमारा जमीन किशनदेव शाह का पेड में है, हम निकालने के लिए चाह रहे हैं, वो हम लोग को प्लॉट पर जाने के लिए नहीं दे रहा है, और विपक्षी पार्टी इधर से बीरेन है, दमक वाली है, अरुण पोदार का परिवार है और ठाकुर है। मनोज गुप्ता कहता है कि उसका बाप जब बेच के चला गया तो उसका कुंजी पाएगा सारा काम वही परिवार जो है दमक वाली, वो हमारा जमीन को जबरदस्ती ले लिया है चुपचाप, और घर घर भी कर लिया है। हम प्लॉट पर जाते हैं घर बनाने के लिए, वो हमको खयार करके भगा दिया, और जा करके हम तब वहाँ आवेदन दिए हैं, प्लॉट पर जाने के लिए नहीं दे रहा है, कहता है कि जो करना होगा करेगा, उसका जमीन है नहीं। मुखिया सरपंच को आपने बोले? मुखिया को बोले तो मुखिया को क्या कहते हैं कि उसी का बग में चला गया। सरपंच तो हमारे महोदय में है, वो तो उसका कहना है कि तुम घर खड़ा करो, जो होगा सब उसको अंदर भेजें। अंदर भेजें? आपके पास सारी कागजात है? हमारे पास सारे कागजात है, हम कागजात ले करके हम कैसे कैसे हम घूम रहे हैं पागल के तरह, हमको दखल नहीं। आप क्या करते हैं, कौन सा काम करते? बिल्कुल मजदूर क्लास का आदमी है, हम भूमिहीन है, दूसरे का जमीन में बसे हैं, वो भी पार्टी हमको भगा रहा है। पार्टी भगा रहा है? बाल बच्चा आपको कितना है? बाल बच्चा 3 लड़का है, 3 लड़की है, लड़की सबका शादीशुदा हो गया, एक लड़की हमारे कब्जा में है, वो लड़की का भी केस चल रहा है, उसका भी निवारण हम ही को देखना पड़ा। आप क्या चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से हम यही निवेदन चाहते हैं कि हमको सही इंसाफ सरकार के थ्रू से हमको मिलना चाहिए, हमको जमीन नहीं है, हम घर बनाएंगे और उसमें हम पटा करेंगे। कितना दिन से ये मामला हुआ है? ये मामला 1 साल से उससे कागज मांग रहे हैं, वो कागज नहीं दिखाया, उस दिन जनता दरबार में कागज दिखाया। बोलिए। खाता नंबर हुआ 316 खसरा 1539, कुल जमीन हमारा खतियान में बता रहा है 1 एकड़ 30 डिसमिल, और प्लॉट पर जाते हैं तो हमको विपक्षी पार्टी मार करके भगाता है। वीरेंद्र शर्मा हुआ, ठाकुर हुआ, ये अरुण पोदार का परिवार हुआ, ये सब हमको प्लॉट पर जाने के लिए नहीं दे रहा। तो मोहल्ला समाज वाला आपका साथ नहीं दे रहा? वो हमारा उधर का सारा उसी का साथ है, हमको बिल्कुल, हम निर्धन अकेला पार्टी है। पुलिस थाना को इन्फॉर्म नहीं किया? पुलिस में जाते हैं तो पुलिस में भी टाका मांगता है, हमारे पास है नहीं, पुलिस से हम इंसाफ मांगते हैं। थाना पे गए हैं आप? थाना पर गए हैं, थाना पर भी पैसा मांगता है। कौन पैसा मांगता थाना वाला? छोटा बाबू, वो भी रुपया मांगने लगा 50,000। क्या कह के रुपया मांगने लगा? कि जमीन जब तुम्हारा है तो हम हासिल करवा देंगे और 50,000 रुपया लगेगा। बड़ा बाबू से बात नहीं किया?
बड़ा बाबू से अभी तक हमसे कोई बात नहीं होगा। अब हम तो बोले कि गरीब आदमी हम, उतना पैसा है नहीं हमारे पास, अब हमको इंसाफ दिलाइएगा तो दिलाइए, नहीं दिलाइएगा तो अब हमको यहाँ से भी फेंक दीजिए, हम आगे देखें। आपके साथ मारपीट भी हुआ है? मारपीट मारने के लिए दौड़ा है वो लोग, और क्या कहता है कि मार भी किया है, और क्या कहता है कि हम हल्ला उल्ला किए, वो लोग भी उधर गया, हम लोग भी इधर गए। यानी पैसा वाला सब उसका साथ दे रहा है सारा? सब पैसा वाला भी साथ दे रहा है, दूसरा हमारा घर में दो पड़ोसी है उस मोहल्ला में, उसको वो भी उसी का साथ है पैसा खाने का। क्या नाम है वो लोग का बताइए तो? उसका नाम है डंटल सा, बंटी सा और मुकेश सा। पंचायत कौन सा है? पंचायत अररिया बस्ती, वार्ड नंबर 6। इसी वार्ड नंबर 6 में आपका जमीन है? नहीं, जमीन है वार्ड नंबर 5 में। वार्ड नंबर 5 में। तो अब जो आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप आगे क्या सोचे हैं करने के लिए? हम यही सोचते हैं कि उस जमीन का मुआवजा नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं होगा, तब हम वही होगा कि हम इस जमीन पर अपना सब सारा परिवार लेकर के हम जीव हत्या करेंगे। आपका? मेरा नाम सतीश कुमार पासवान, घर मुन्ना पासवान, वार्ड नंबर 6, पूर्व में वार्ड सदस्य रहा हूँ। और जब मैं साधारण साहब मेरे पास में आया कि देखो मेरा जमीन को ऐसी बात है, बोले ठीक है आप सब में इंसाफ मिलेगा। उनका हम जब पहले भी करने लगे, मनोज गुप्ता बोला तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ, मैं उसका मोटेशन में तोड़वा दूंगा मैं, और वही मोटेशन वो तोड़वा दिया हुआ। मनोज गुप्ता कौन है? मनोज गुप्ता वो कर्मचारी का आगे पीछे करता है, समझा नहीं करता है। किस वार्ड में घर है उसका? वार्ड नंबर 5 में घर है। तो इसके लिए आप मुखिया वगैरह को, सरपंच का सहायता लिए? लिए तो वो एक हफ्ता का टाइम मांगा था कि एक हफ्ता से हम कागज दिखला देंगे, मगर एक हफ्ता अंदर में वो मोटेशन को तोड़ दिया हुआ। ये जो भी बता रहे थे सदानंद साहब कि थाना में गए, पुलिस वाले ने रिश्वत मांगी, क्या नाम है? हाँ, कुछ रुपया जब तक नहीं दीजिएगा हम केस कैसे आपका ले लेंगे? इसमें सच्चाई है? हाँ, इसमें सच्चाई है सर। कुछ तो रुपया मांग रहा है, वो गरीब आदमी है, तो बोल रहा तुम पर भी कार हो, तुम लाओ पैसा कहीं से लाता। आपको बोला? हाँ, कुछ कुछ नहीं दोगे तो क्या नाम है? वही नाम है उनका, जबकि खाता नंबर 316 हो, 339 हुआ खेसरा रखवा है। FIR वगैरह लिखे हैं लोग, निवारण हम लोग दिए हैं। पैसे किस बात का मांग रहे थे? तो तुम भी जब तक नहीं दोगे तो हम कैसे पैरवी करेंगे? बिना पैसा के पैरवी नहीं करेंगे? नहीं, इस पे जानलेवा हमला भी हुआ है क्या? हाँ, ये हो अल्लाह करने लगा, बोला तो हम तब उसका साथ दिए हम, तब वो सब थोड़ा सा डर गया हुआ। और सरपंच प्रतिनिधि वगैरह यहाँ का? सरपंच तो बोले हैं कि वाजिब में जमीन उसका 1 acre 30 decibel है, और तुम लोग इनका साथ दो। अच्छा, इनके पास कागजात पूरा है? हाँ, कागज है उनके पास। तो वो लोग कब्जा क्यों नहीं करने दे रहे हैं? अब उसका लाठी बल पर बोला पैसा हम 2 बीघा जमीन बेच कर हम केस ले रहेंगे हम। तो आगे आप लोग क्या सोचे हैं? अभी हम आत्महत्या कर लेंगे? ये गरीब आदमियों को सरकार तरफ से सहायता मिले, अब मुआवजा भी मिले, जमीन भी मिले, और इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास जो है वो भी उनको दिया जाए, हमारा यही कहना है। और 1 acre 30 decibel है वो प्लॉट।